यमुनानगर के हरनोल गांव के पास स्थित पंचतीर्थी जहां अज्ञातवास के दौरान आए थे पांच पांडव, जहां द्रौपदी ने मंदिर प्रांगण में लगाया था बेरी का पेड़। बता दें कि इस मंदिर के साथ लोगों की अहम आस्था जुड़ी हुई है। यहां इतिहास अति प्राचीन है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के बाद पांच पांडव यहां आए थे और सरोवर बना था, जिसमें उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। द्रौपदी ने मंदिर प्रांगण में बेरी का पेड़ लगाया था, जो आज भी है। मान्यता ये भी है कि बेरी के इस पेड़ पर धागा बांधने से मान्यता पूरी होती है। इस बेरी के पेड़ का नाम दुखभंजनी बेरी है। ऐसी मान्यता है कि इस बेरी के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद धागा बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस धाम में सरोवर भी है, जिसमें पांच बार स्नान करने से दाद खाज खुजली की बीमारी दूर होने की बात कही जाती है, जिस कारण श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहां पर दूर दूर से आते रहते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी पंडित रविदत्त शर्मा ने बताया कि यहां पर एक बड़ा मेला कपाल मोचन के मेले के पश्चात लगता है। यहां लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। यहां पर पांच पांडवों का मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, बालाजी मंदिर और पवित्र सरोवर सर्वधर्म एकता का प्रतीक है। वहीं उन्होंने यहां पर हर साल होने वाले 4 मार्च को विशेष कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। देखें हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ पर एक पुण्य धाम है, जिसका पौराणिक धाम पंचतीर्थी नाम से जाना जाता है। यह हरनोल गांव के पास है, जो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में पड़ता है। और इसमें यहाँ पर सामने तालाब है। उस तालाब में पांच वीरवार स्नान करने से कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शरीर का कोई भी रोग हो वो दूर हो जाता है। उस रोग दूर होने के बाद, पाँच वीरवार पूर्ण होने के बाद, जैसी उसकी समर्थता होती है, जैसी भावना होती है, यहाँ पर प्रसाद चलाते हैं, बांटते हैं लोगों को, है ना। प्रसाद को अपने हाथ से बांटते हैं। यहाँ स्वामी जी की बरसी पर वार्षिक यज्ञ होता है। इस पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और प्रसाद को ग्रहण कर करके पुण्य के भागी बनते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे गुरु साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओंकारारविंदे पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तम वटश्ये पत्रश्ये पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से, श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से यहाँ पौराणिक धाम पंचतीर्थि डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर नज़दीक हरनौल गांव के पास पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। और मंगलवार के दिन लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, चोला चढ़ाते हैं और हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और चढ़ाते हैं। जिन लोगों को अनेक प्रकार की सूखनाएँ सूखी जाती हैं और पूर्ण हो जाती हैं, यहाँ पर लाइन में लग करके प्रसाद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बद्रीनारायण जी का पेड़ है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहित निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम। जहाँ पर किसी तट के पास श्री बद्रीनारायण का वृक्ष होता है, वहाँ पर बहुत ही महत्व होता है उसका और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और उस तट पर श्री रामचंद्र जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और साथ में बद्रीनारायण जी का पेड़ और साथ में सरोवर है। तो हनुमान जी के जाना दर्शन करने से श्री रामचंद्र जी का अपनी कामनाओं को लेकर के किसी प्रकार का मौली का ताधा बांधने से और चुन्नी बांधने से और स्वामी श्री किशोरी महंत जी की आशीर्वाद से जो भी अपनी कामनाएं लेकर आते हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। और पूर्ण होने के बाद लोग दूर दूर से आकर के अपने रिश्तेदारों को, प्यारे मित्रों को, बंधु बांधों को या दोस्तों को लेकर के आते हैं कि मेरी कामना पूर्ण होगी, आप भी वहीं पर चलो। यहाँ पर महंत श्री किशोरी शरण जी उनको अपने कर कमलों के द्वारा आशीर्वाद दे करके भक्तों का समय समय पर उद्धार करते रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री पुराणिक धाम पंचतीर्थि डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर नज़दीक हरनौल पंचतीर्थि धाम, यहाँ पर इस धाम की कमेटी बनी हुई है जिसके प्रधान चौधरी मियां सिंह जी और श्री रिखीराम सेक्रेटरी और बलदेव गंबरदार जी सरपंच जी और सुरेंद्र अकबरपुर जी, राम कुमार जी, जय सिंह टेही जी, जगीर सिंह टेही जी और अन्य मान्यगण यहाँ एरिए की कमेटी के मेंबर हैं जो इसकी देख रेख रखते हैं। समय समय पर यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान और समय समय पर यहाँ पर जो बाहर से साधु संगत आती हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, उनका सम्मान और जो यहाँ पर वार्षिक यज्ञ होते हैं, भंडारा होते आदि होते हैं, उन वो भी कमेटी की देख रेख में ही होते हैं। और जो महंत हैं हमारे यहाँ किशोरी शरण जी, उनका हर प्रकार से ध्यान रखना, हर प्रकार से उनके लिए व्यवस्था बनाए रखना, ये सब काम कमेटी अपनी जिम्मेवारी को समझ करके करती है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं है, ये सब व्यवस्था कमेटी स्वयं अपने आप करती हैं। जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए भी यहाँ दान पात्र लगे हुए हैं, उनके लिए पर्ची कटती हैं। कोई कमेटी मेंबर अब पैसा स्वयं नहीं लेता, जब भी दान पात्र खुलता है तो साथ में सभी कमेटी मेंबर इकट्ठे होकर के और स्वामी जी को श्री किशोरी महंत जी को बिठा करके दान पात्र खोला जाता है। जो लोगों का दिया हुआ दान वो सब मंदिर में लगता है और भंडारे में प्रयोग होता है। कोई ऐसा नहीं कि किसी कमेटी मेंबर के विशेष रूप से प्रयोग कर सके, ये सब मंदिर के काम आता है, मंदिर के लिए ही लोग देते हैं। ये दान है, दान दान के लिए प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। कुछ दिन पहले यहाँ मेले में बहुत ही दान हुआ, जिसमें कपड़ा इत्यादि था, बर्तन था, गरीब कन्याओं की शादियों में कमेटी मेंबरों ने उसको दूर दूर तक बांट दिया। वो किसी भी केक आदमी को नहीं दिया गया, न ही इसको बेचा गया, दान आया हुआ दान के रूप में ही सबको सारा सामान दिया गया। ये सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, दिल से दान दिया था, वैसे ही कमेटी मेंबरों ने उसको दिल से, श्रद्धा से गरीब कन्याओं की शादियों विवाहों में उसको दान दे दिया है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के कोई कपड़ा चढ़ाता है, कोई बर्तन चढ़ाता है, कोई अन्न चढ़ाता है, कोई चावल की बोरी, कोई चीनी का कट्टा, कोई किसी प्रकार का पंखा कुदरतिया जो भी देता हो, सब मंदिर में ही प्रयोग होता है। जो अन्न इत्यादि आता है वो दान भंडारे के रूप में किया जाता है। जो पैसा दिया जाता है उससे यहाँ पर पेंट, सफाई और
विकास की तरफ कार्य जो किया जाता है वो सब पैसे से किया जाता है। पंखे जो लगे हुए हैं वो सब दानियों के नाम लिखे हुए हैं, और जिसने कोई भी कार्य कराया है उसका उसके ऊपर नाम लिख दिया गया है ताकि वो याद उसकी बन कर रहे कि इस व्यक्ति ने इसको ये चीज़ वस्तु दान दी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधेश्याम।